जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फेडरलिज्म को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहा जाता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि फेडरलिज्म कहते किसे हैं, संघवाद कहते किसे हैं। देखिए, संघवाद एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें होती है और ये दोनों सरकारों के बीच पावर का जो बंटवारा होता है वो संविधान के द्वारा खुद ही किया होता है, है ना। एक बार इंग्लिश में, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर टू और मोर देन टू गवर्नमेंट एंड द पावर बिटवीन देम इज डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फेडरलिज्म कहेंगे। ये जो फेडरलिज्म है ये हमारा फोर्डस वर्ड से आया है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। यानी ये जो फेडरलिज्म है इसके अंदर में क्या होती है? ट्रीटी होती है, जिसमें दो सरकारों के बीच ट्रीटी होती है या दो जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं उसके बाद साथ ट्रीटी होती है और ट्रीटी होने के बाद वो क्या करते हैं? फेडरलिज्म को बनाते हैं। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दो कंट्री है, एक तरफ श्रीलंका थी, दूसरी तरफ बेल्जियम था, है ना। दोनों ही कंट्री, एक कंट्री बहुत खुशहाल हो जाती है और एक कंट्री बहुत ही बदहाल हो जाती है। कारण क्या था उसके अंदर में? देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही काफी डाइवर्स कंट्री थी। बेल्जियम ने अपने यहां पर पावर का अच्छे से बंटवारा किया। जितने सारे जाति धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, सबको अपना पावर ट्रांसफर किया। यानी सभी के लोगों को यह कहा गया कि आप अपने यहां से एमपी एमएलए चुन करके भेज सकते हैं, आपका भी सरकार में हिस्सेदारी होगा। कि श्रीलंका के अंदर में जो दो मेन लोग थे, सिन्हालीज और तमिल बोलने वाले लोग थे, डायवर्सिटी वहां भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, पावर को सिन्हालीज लोगों ने अपने हाथों में रखा। तमिल लोग थे, वो उनको नौकरियां नहीं मिली, वो सिस्टम से बाहर होते चले गए और अंततः उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और फाइनली जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से सिविल वॉर में चली गई, पूरी शांति भंग हो गई वहां पर। तो एक तरफ बेल्जियम पावर का बंटवारा करके किस तरह से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ श्रीलंका जो है पावर का बंटवारा नहीं करता है तो वहां पर खुशहाली नहीं होती है, वहां पर जो है पूरी तरह से क्या होती है कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है। बहरहाल हम लोग इसी चीज को समझते हैं, फेडरलिज्म को। तो आपने देखा कि कैसे दोनों ही केसों के अंदर में पावर का अगर बंटवारा कर दिया जाए तो कंट्री में पीस होता है, शांति होती है और सभी लोग अपने आनंद के साथ अपने कामों में लगे होते हैं, सबको लगता है कि हाँ ये हमारा देश है। लेकिन अगर पावर का बंटवारा नहीं करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कर लेंगे, कुछ हाथों में पावर आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो दूसरे सेक्शंस ऑफ पीपल हैं उसको वो धीरे धीरे कटते हुए महसूस करेंगे अपने देश से और वो फाइनली क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे कि ये टेरिटरी मुझे दे दो, हम क्या करेंगे अलग देश बनाएंगे, इस पर हम रूल करेंगे, वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। फेडरलिज्म कहते किसे हैं, ये बात तो हम लोग समझ गए। देखिए, जहां पर एक तरफ फेडरल सिस्टम होता है वहीं एक तरफ यूनिटरी सिस्टम होता है। पहले हम लोग यूनिटरी सिस्टम को समझते हैं कि यूनिटरी सिस्टम कहते किसे हैं। आपने फेडरल समझ लिया, अब यूनिटरी को समझते हैं। यूनिटरी एक ऐसी सरकार की पद्धति होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसके अंदर में क्या होता है कि या तो वहां पर एक सिंगल सरकार होगी, सिंगल गवर्नमेंट होगी, या फिर दूसरी सरकार होगी भी तो वो बहुत कमजोर होगी, वीक गवर्नमेंट होगी, है ना। उनका बंटवारा होगा पावर का वो संविधान के द्वारा नहीं किया होता है। जैसे मान लीजिए चाइना के अंदर में, चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी रूल है। चाइना में अगर दूसरे स्टेट्स हैं भी तो वहां पर क्या है, उनको उतनी पावर नहीं मिली हुई है, तो हम क्या कहेंगे, चाइना के अंदर फेडरलिज्म नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा बेसिक डिफरेंस कि फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। पहले ये बताइए, ये जो फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? दो ऑब्जेक्टिव इसकी होती है। पहली ऑब्जेक्टिव होती है हमारी देश की यूनिटी को सेफगार्ड करता है। दूसरा जो पर्पस होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है फेडरलिज्म का, वो क्या करता है, जितनी सारी जो डाइवर्स पीपल है उसको एक साथ बना करके एकोमोडेट करके रखता है। अगर आपके कंट्री में लार्ज साइज कंट्री है और डाइवर्सिटी ज्यादा है तो आपको यूनिटरी गवर्नमेंट से काम नहीं चलने वाला है, आपको जो है फेडरल सिस्टम चाहिए ही चाहिए। फेडरल सिस्टम क्या करती है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, ये क्या करती है, यूनिटी को सेफगार्ड करती है और दूसरा क्या करती है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का काम करती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके की फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म के अंदर में कौन कौन से की फीचर्स हैं, है ना। नंबर वन जो की फीचर्स है हमारा वो है ड्यूअल पॉलिटी, है ना। ड्यूअल पॉलिटी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह की सरकारें होंगी, एक होगा जहां पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, वही दूसरी तरफ क्या होगी, रीजनल गवर्नमेंट होगी, या हम इसको स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, है ना। जो दूसरी गवर्नमेंट होगी उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो की फीचर्स हो गया हमारा फेडरल सरकार की, फेडरल गवर्नमेंट की, वो हो गई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से क्या है, रिटन है, लिखा हुआ है, और इसको बदलना जो है वो क्या है, काफी मुश्किल है।
अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। ओके, इसके अलावा तीसरा जो हमारा हो गया फेडरलिज्म का की फीचर्स, वो हो गया डिवीजन ऑफ पावर। सबको बारी बारी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है ये, इसके बाद इसको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नंबर है वो है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, पूरी तरह से सुप्रीम है। इसके अलावा हमारे यहां पर पांचवा जो की फीचर्स है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, जुडिशरी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो है बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म, ये सब चीज आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों को मैं एक एक करके अभी नेक्स्ट जो 10 टू 15 मिनट्स है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी, वो भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो भी हमारा क्या है, इसका पार्ट है। बारी बारी से चलिए अब इसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो नंबर वन है हमारा ड्यूअल पॉलिटी, यानी हमारे यहां पर जहां पर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहां पर फेडरलिज्म है, क्योंकि हमारे यहां पर दोनों ही तरह की सरकारें हैं और दोनों के बीच पावर का जो बंटवारा होता है वो खुद संविधान के द्वारा किया गया है ना। तो ये हो गई हमारी पहली फीचर। दूसरी फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो संविधान है बहुत सारे देशों के अंदर में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटन, दूसरा होता है अनरिटन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे भारत अमेरिका जैसे देशों के अंदर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहीं पर इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, जबकि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना। वहां की पार्लियामेंट जो कह देंगे, जो भी कानून बनाएंगे वही क्या होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, कोई लिखित संविधान नहीं है। लेकिन हमारे यहां पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है लिखे हुए हैं और उसी के आधार पर पूरी फंक्शन होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो, सभी को पावर जो है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है और उसी के हिसाब से सारे बिजनेस सारे जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं, सारे हाउसेस उसी के हिसाब से चलते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख करके बनाई जाती है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसको जो है बदलना इतनी आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ पावर। आप अगर देखोगे तो इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर के अंदर में और पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में भी है ना। ये बेसिक क्लास हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किया है, ताकि जो बच्चे क्लास टेंथ के अंदर में हैं उनके लिए ये लेक्चर तो यूजफुल होगा ही, प्लस जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे है ना, बीपीएससी, बिहार पुलिस या फिर यूपीएससी, जितने सारे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी यूजफुल है। पॉलिटी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को शेयर कर दें, और इसको जो है वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस जो है हमारी पूर्णिया शहर के अंदर में चल रही है, जो नंबर आपको साइड में यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, इस वाले नंबर पर आप क्लिक कॉल करके बात कर सकते हैं और हमारा सेंटर जो है वो विजिट कर सकते हैं। ये माधोपाड़ा के अंदर में रुई गोला पुल है, वहाँ पर आपको ये सेंटर मिलेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए डिवीजन ऑफ पावर में क्या है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो सेवेंथ शेड्यूल के अंदर में, भारतीय संविधान की सेवेंथ शेड्यूल में तीन तरह के लिस्ट दिए हुए हैं ना, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। पहला लिस्ट जो है वो हमारा है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट है ना, और दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो है वो हमारा है कंकरेंट लिस्ट। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। एक सिंगल हेडिंग डालेंगे है ना, जिसमें हम लोग पूरी लिस्ट को पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा सिलेबस का पार्ट भी है और काफ़ी बार यूपीएससी के अंदर में पूछा भी गया है लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा अभी आप जान लीजिए। अगले टॉपिक पर आते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो संविधान है वो सबसे क्या है, सुप्रीम है। हर कुछ जो है संविधान के हिसाब से डिसाइड होती है और उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है ना, वो अगर आप देखोगे जुडिशरी को तो थ्री फोल्ड जुडिशरी है हमारी है ना, जहां पर क्या है, एक तरफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक तरफ जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे उसके ऊपर, और सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो एक इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ
क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायकैमरलिज्म। यहां पर बायकैमरलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर में जब पार्लियामेंट आप पढ़ोगे तो वहां पर दो तरह के हाउसेस हैं, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में तो पूरे देश से जितने भी एमपी होते हैं वो चुन करके आते हैं, लेकिन राज्यसभा में मेनली स्टेट का अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है वहां पर, है ना, राज्यसभा की जो सीट खाली होती है उस पर इलेक्शन होते हैं, तो वहां के जो एमएलए वगैरह होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वोट किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर में जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके मेंबर यहां पर आते हैं, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर केंद्र सरकार कुछ ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे राज्यों को नुकसान होने वाला है, तो वहां पर राज्यसभा क्या करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी और उस कानून को वो वहीं पर रोक सकती है। तो इस तरह से जो हमारा ये जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है, राज्यसभा है और लोकसभा है, तो ये राज्यसभा का जो सिस्टम हमारे यहां पर है, इससे स्टेट को कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिलती है और स्टेट और सेंटर का जो रिश्ता है उसको और एक मजबूती मिलती है। सेंटर अपने मन से कुछ भी वहां पर नहीं बदल सकते हैं, समझ रहे ना, तो इससे हमारा फेडरलिज्म और स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बाइकैमरलिज्म जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा फेडरलिज्म का ही फीचर है। नेक्स्ट आते हैं सातवें नंबर पर, ये है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। देखिए हमारा संविधान, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं संविधान के जिसके बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टेट का नाम को बदलना है, अगर एक स्टेट को जैसे बिहार है उसको तोड़ करके दो स्टेट बनाना है, या दो स्टेट किसी दो स्टेट को जोड़ करके एक सिंगल स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ सिंपल मेजोरिटी के साथ की जा सकती है। अगर आप संविधान को पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 धारा 368 के अंदर में हमारा क्या है, अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, संविधान को। तो इसमें जो है एक हमारा हो गया जो सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो अगर आर्टिकल 368 के तहत पढ़ोगे तो दो और इसमें प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना, और दूसरा है इसको हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में कि सुपर स्पेशल मेजोरिटी, है ना, सुपर स्पेशल मेजोरिटी इसको कह सकते हैं। ओके, तो पहले इस वाले को समझते हैं कि ये आर्टिकल 368 में, धारा 368 के अंदर में जो स्पेशल मेजोरिटी वाला कंसेप्ट है ये क्या है। तो देखिए स्पेशल मेजोरिटी, जैसे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, अगर आप ने पढ़ा होगा बोम्बई केस, एसआर बोम्बई केस, ये केस आई थी 1994 में। एसआर बोम्बई केस जो 1994 में आई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा संविधान वो फेडरल नेचर का है और जो फेडरलिज्म है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको बदल नहीं पाएंगे। तो यहां पर एक वर्ड आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, क्या मतलब है इसका, चलिए मैं आपको केबीसी में लेके चलता हूं, है ना। ये केबीसी अमिताभ बच्चन वाला कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, है ना। ये केबीसी एक केस है जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि संविधान के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको पार्लियामेंट अलोन, जो लोकसभा है वो अलोन अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते हैं ना, इसके लिए उसको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब यहां पर जो वर्ड आया है स्पेशल मेजोरिटी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी। देखिए स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब हुआ जिस दिन आपकी वोटिंग होगी उस दिन आपके 2/3 से ज्यादा लोग जो हैं क्या होंगे उस बिल पर आपका एग्री होना चाहिए, और ये 2/3 जो है वो टोटल मेंबर ऑफ जो हाउस है उसका 50% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मान लेते हैं कि टोटल सीट है हमारा 400 और इस 400 में हमारा 300 लोग उस दिन प्रेजेंट आए, तो जितने लोग प्रेजेंट आए उसका 2/3, तो यानी लगभग 200 लोग जो हैं वो उस पर एग्री होना चाहिए, और ये 200 लोग जो हैं, है ना, 200 प्लस लोग, वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमारी टोटल सीट 400 है, 50% हो गई 200 प्लस 1, है ना, 201 हो गई। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जब 200 लोग क्या हो गए, 300 लोगों की यहां पर वोटिंग हुई, तो उसमें 200 से ज्यादा लोग, 201 लोगों ने मान लीजिए इसको सपोर्ट कर दिया, तो ये 201 लोग क्या हो रहे हैं, 50% से ज्यादा हो रहे हैं, तब ये बिल पास समझा जाएगा, अन्यथा ये बिल पास नहीं समझा जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं सुपर स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होगा, जो स्पेशल मेजोरिटी मैंने कहा कि जितने लोग वोट करने आए हैं उसका 2/3, 2/3 लोग उस पर एग्री होना चाहिए, और वो 2/3 लोगों की संख्या जो है वो टोटल मेंबर ऑफ हाउस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 50
50% से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये स्पेशल मेजोरिटी SM मैं इसको लिखता हूं, स्पेशल मेजोरिटी ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट, जो आधे से ज्यादा इंडियन स्टेट हैं, वो सब इस पर क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, तभी ये इसको ये कुछ इस तरह के प्रोविजंस होते हैं जिसको चेंज किया जाता है। जैसे GST का आपने नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसको कैसे पास किया गया था अगर आपको याद होगा तो, इस बिल को पास करने के लिए सरकार को बहुत पसीने बहाने पड़े। उन्होंने क्या किया, पहले इसको लोकसभा देन राज्यसभा दोनों जगह से 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास कराया, फिर उसके बाद जो हमारे स्टेट्स हैं, जितने सारे स्टेट्स हैं उसमें से क्या हुआ, आधे से ज्यादा स्टेट ने क्या किया, एग्री किया, उसको अपने अपने सदन में पास किया, तभी जाकर के ये बिल बना। तो वो सारे बिल जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन को फर्क पड़ सकता है, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाना चाहती है, उन सब को क्या होता है, सुपर स्पेशल मेजोरिटी से गुजरना पड़ेगा, और कभी भी सरकार पूरी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। ये KBC केस में, केशव नंदा भारती केस के अंदर में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। ओके, तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ गई किस तरह से आर्टिकल 368 में दो तरह के प्रोविजन है, एक स्पेशल दूसरा सुपर स्पेशल प्रोविजन यहां पर रखे गए हैं, है ना। चलिए कुछ और चीजें जो है हम लोग फेडरलिज्म के अंदर में पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप, जैसे यहाँ पर स्टेट का जिक्र आया है ना, तो ये बताइए इंडिया में अभी टोटल कितने स्टेट हैं। बहुत सारे लोग, आप में से आधे से ज़्यादा लोग गलत आंसर देंगे इसका, आप में से आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि सर अभी इंडिया में, कुछ लोग तो कहेंगे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं, कुछ लोग कहेंगे सर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज हैं, है ना। लेकिन ये दोनों जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले हमारा 28 स्टेट था, फिर जब तेलंगाना बना तो ये क्या हो गया, 29 स्टेट हो गया। फिर आपको पता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा को छीन लिया गया, तो अब ये कितने हो गए, टोटल 28 स्टेट ही अभी बचे हैं। अब देखिए जहां हमारा 7 यूनियन टेरिटरीज था, 7 यूटीज की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा 7 यूनियन टेरिटरीज था, है ना, अब वो 7 यूनियन टेरिटरीज में क्या हुआ, दो और जुट गए, कौन, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, ये दोनों को जोड़ दिया गया तो हो गया अब ये 9। लेकिन दो ऐसे स्टेट हैं, दमन एंड दीव और दूसरा है हमारा दादर एंड नागर हवेली, ये दोनों स्टेट को जोड़ करके एक सिंगल स्टेट बना दिया गया, तो इस तरह से इसमें से एक स्टेट कम हो गया, क्योंकि दो को जोड़ा गया तो एक का तो वहां से कम हो रहा है, वो कम होगा तो अब कितने बच गए, 8। तो अभी इंडिया में टोटल 28 स्टेट है ना, और 8 यूनियन टेरिटरीज ही बचे हुए हैं। चलिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं। इंडिया में जो है, जो फेडरलिज्म हम लोगों ने पढ़ा, ये बताइए इंडिया का फेडरलिज्म और अमेरिका का फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों फेडरलिज्म एक दूसरे से अलग है। अगर आप इंडिया के अंदर में जाओगे तो देखिए फेडरलिज्म, पहले हम लोग ये समझते हैं कि फेडरलिज्म को फॉर्म कैसे किया जाता है। इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना, और दूसरा है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में, अमेरिका का कमिंग टुगेदर और इंडिया का क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए जल्दी से मुझे, कमेंट कीजिए, है ना। देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इसमें क्या है, जैसे अमेरिका का निर्माण हुआ है, अमेरिका में टोटल कितने स्टेट हैं, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो अमेरिका के जो 50 स्टेट हो गए, मान लीजिए A, B, C, D, है ना, ई, ये सारे स्टेट हैं, और मान लीजिए इनका एक सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो USA की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखिए इन सब 50 के 50 स्टेट और इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब का पावर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 वोट है तो ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है सबको एक एक वोट दिया जाएगा। यहाँ के जो कोर्ट होते हैं वो इंटीग्रेटेड नहीं है, हाई कोर्ट जो स्टेट से रिलेटेड लॉज हैं उसको सुनने के लिए वहाँ के हाई कोर्ट है, जबकि सेंटर के लिए वहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अलग से है, जो हमारी सेंट्रल लॉज को USA के अंदर में देखती है। इनके बीच बिल्कुल पावर एकदम बराबर है, 50 के 50 स्टेट का आपस में, प्लस एक स्टेट को आप उठाइए और अमेरिका को उठाइए, अमेरिका जो एक नेश, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो अमेरिका की स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कोई भी स्टेट को मिला करके देखोगे बिल्कुल पावर दोनों के क्या है, बराबर है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, और अमेरिका का जो निर्माण है वो हमारा क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है।
क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं अलग अलग थे, 50 देश या अलग अलग थे, और इन्होंने अपने आप में ये इनको सुरक्षा महसूस नहीं होती थी, तो ये सारे देश एग्रीमेंट करके आपस में आ गए और इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, और इस तरह से इनकी क्या हुई, इंटीग्रिटी बढ़ गई, इस तरह से इसकी सॉवरनिटी बढ़ गई, ये सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, अब ये काफ़ी ताकतवर हो गए थे। मसलन जैसे मान लीजिए कि आप अगर पड़ोस में आपस में अपने मोहल्ले में इस तरह का एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर मोहल्ले में एक इंसान के ऊपर बिना मतलब का अगर हमला किया जाता है तो वो पूरे मोहल्ले पर हमला समझा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई दूसरे मोहल्ले के लड़के या लड़कियां या कोई दूसरे लोग आपके मोहल्ले के किसी को टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर उस मोहल्ले पर वहां पर हमने अगर टच किया, किसी को बिना मतलब परेशान किया, तो पूरे मोहल्ले के लोग हमें मिल करके पीटेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या हुई, इसी तरह से अमेरिका के अंदर में इससे इसकी क्या हुई, सिक्योरिटी जो है ना, वो बढ़ गई, सेफ्टी और सिक्योरिटी इनकी बढ़ गई। तो इस तरह का जब लोग बाहर से आकर के क्या होते हैं, कमिंग यानी आकर के फेडरेशन का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, जैसे इंडिया, इंडिया का निर्माण होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हुआ है। इंडिया में जैसे मान लीजिए पहले के समय में जब अंग्रेज के टाइम थे, उसी समय तो तीन ही प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर बिहार, उड़ीसा ये सारे स्टेट हुआ करते थे, जब मद्रास के अंदर में जितने सारे साउथ इंडिया के स्टेट हैं वो है ना, और मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर गुजरात, मुंबई, ये सारी जो रीजन्स हैं वो इसके अंदर में हुआ करती थी, समझ रहे हैं ना। जो हमारा नॉर्दर्न इलाका है वो सब मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर में हुआ करता था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज गए तो हम लोगों ने क्या किया, भाषा के आधार पर 1965 में, उसके बाद से बंटवारा जो है कंटिन्यू इन द ईयर ऑफ 2000, 2000 ईस्वी में हमने झारखंड को बिहार से अलग किया, फिर तेलंगाना को हाल फिलहाल में हम लोगों ने अलग किया। तो अच्छे से रूल करने के लिए हम अपने यहाँ पर स्टेट्स को अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ओके। तो यहां पर के जो हमारे स्टेट्स हैं, अगर आर्टिकल 1 को पढ़िएगा तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, इसका मतलब दो बातें हो गई। यहां पर बी आर अंबेडकर ने इस पर क्लियर किया था संविधान सभा के अंदर कि इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि इंडिया जो है, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट में दो बातें हैं। पहली बात कि इंडिया का निर्माण किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ है, जैसे यूएसए का निर्माण एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है, इंडिया का निर्माण एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ, ये तो पहले से ही एक देश था, बाद में स्टेट्स का बंटवारा हम लोगों ने अच्छे से रूल करने के लिए किया है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बाहर से नहीं आए, है ना, इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट था। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले टॉपिक पर, जो यूनियन ऑफ स्टेट में दूसरा मतलब निकलता है। जब एक बात बताइए, जब हमारा निर्माण एग्रीमेंट के थ्रू हो ही नहीं रहा है तो कैसे हम है ना उसको अलग होने दे सकते हैं। तो इंडिया के जितने सारे स्टेट्स हैं उसको ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इंडिया एक देश है, इससे बाहर होकर के वो अलग कंट्री निर्माण नहीं कर सकते हैं, अलग कंट्री नहीं बना सकते हैं, ये हुआ यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब। तो भारत का जो स्टेट है, इंडिया का स्टेट है, वो क्या है, वो इसका पहले से ही पार्ट था, कहीं बाहर से आकर के या मान लीजिए एग्रीमेंट के थ्रू नहीं एक देश का निर्माण हुआ है ना, ये पहले से ही एक कंट्री थी और इसको हमने अच्छे से रूल करने के लिए इसको डिवाइड किया है। तो इस तरह से इंडिया जो है वो क्या है, हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, हम लोगों ने हाथ को पकड़ा हुआ है, हमारे यहाँ से बाहर से नहीं यूनिट्स आए हैं। तो इस तरह के जहां भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होंगे जिन जिन देशों के अंदर, वहां वहां पर क्या होगा आपका के पावर जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच आपको बराबर देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया का उदाहरण लीजिए, इंडिया में देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावरफुल बनाया गया है तो, और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दी गई है। कैसे, अगले वीडियो में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन स्टेट को ज़्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम मिली हुई है, और ये सेंटर स्टेट और ये कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो है इस पर, ये सेंट्रल लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट पर तीनों बनाती है। इसके अलावा एक और लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं रेजिडरी लिस्ट, उस लिस्ट के वो में जितने सारे बाद में टॉपिक आते हैं, जैसे मान लीजिए पहले कंप्यूटर नहीं थी,
है ना। कंप्यूटर क्या हुआ कि 2000 के बाद इंटरनेट आई, तो साइबर से रिलेटेड जितने सारे क्राइम होंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स होंगे, उस पर कानून कौन बनाएगा, तो वो किस लिस्ट में डाला जाए। संविधान के टाइम में तो वो नहीं था, तो इसलिए एक अलग बैग दिया गया जिसका नाम रखा गया रेजिडरी बैग या रेजिडरी लिस्ट। उस लिस्ट में जितने सारे टॉपिक्स आएंगे उनका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट में अभी आकर के कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में तो वो बना ही सकती है, समझ रहे ना। और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट वीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल मैनर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑफलाइन बैचेस आपको स्टार्ट ज्वाइन करनी है तो आपका जो स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिया शहर के अंदर में हैं तो ऑफलाइन बैचेस जो अभी हमारी चल रही है वो 5th to 12th के लिए फाउंडेशन चल रही है, जिसमें 12th के लिए सिर्फ क्या, चूंकि आपको पता है कंपटीशन के अंदर में, कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर में जीएस काफ़ी पूछा जाता है ना, तो ये जीएस की बैचेस चल रही है, यानी 11th 12th में जिन्होंने आर्ट्स लिया है ना, उस आर्ट्स की जो बैचेस है वो हमारा इंटरमीडिएट आर्ट्स की बैच चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग जल्द ही कॉम्पिटिटिव बैचेस को भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रांग होगा तो बच्चे जो हैं भविष्य में जाकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए फिर आईएएस या अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स कोई बड़ी बात नहीं रखती है ना, वो आराम से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली जो है वो है हमारा बेस, तो 5th to 12th है ना, हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारी ऑफलाइन बैचेस है ना, पूर्णिया शहर के अंदर में माधोपाड़ा काटपुल में है, स्क्रीन पर आप एड्रेस भी देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके बात करके सेंटर पर आकर के हमारा यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पूर्णिया शहर के अंदर में रहने वाले हैं। हमारे दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच जो हमारा रुई गोला काटपुल के पास है और दूसरा ब्रांच जो है आसियाना कॉलोनी के अंदर में, पूर्णिया के अंदर में लाइन बाजार के पास जो है वो है हमारा। तो आप पहले फर्स्ट ब्रांच पर जो रुई गोला काटपुल है यहाँ पर आ जाएं, एक बार फ़ोन से बात कर लें अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है ना। जो 4 महीने अभी SST के बचे हुए, 2 महीने 3 महीने बचे हुए, अगर आपने कहीं पर भी क्लासेस ली थी लेकिन SST आपका वीक है, क्लास 10th CBSE वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो सिर्फ SST की क्लास आकर के हमारे सेंटर पर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट नीचे लिखिएगा कि आपको बताइए ये लेक्चर कैसा लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है क्या आप उसको देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।